जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिहार में बदमाशों ने बीजेपी विधायक का पेट्रोल पंप लूट लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बंदूक की नोक के बल पर पेट्रोल पंप को लूटने की घटना सामने आई है। ये घटना पानापुर ओपी क्षेत्र के पखनाहा पेट्रोल पंप की है, जो की मुजफ्फरपुर के साहेब गंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजू सिंह का है। यहाँ बदमाश एक बाइक पर ही सवार होकर आए और पेट्रोल पंप कर्मचारी से पेट्रोल डालने के लिए कहा। उसके बाद अपराधियों ने जेब में रखी अपनी अपनी पिस्टल निकालकर कर्मचारियों पर तान दी। कर्मचारी द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। बदमाशों ने बंदूक के बल पर कर्मचारी की जेब से 30,000 निकाल ली और फिर मैनेजर से 1.70 लाख रुपए की नकदी छीन ली। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ तोड़फोड़ भी की और कैमरों का डीवीआर अपने साथ ले गए। तीनों बदमाश लूट के बाद कांटी इलाके की ओर भाग गए हैं। बदमाशों ने कांटी की ओर भागते समय एक थर्मल पावर के सामने एचपी पेट्रोल पंप पर भी लूट का प्रयास किया। उन्होंने दूसरे पेट्रोल पंप से 99 रुपए का तेल भरा। अपराधी एचपी पेट्रोल पंप पर स्थानीय लोगों की भीड़ को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पानापुर एसएचओ अभिषेक कुमार ने बताया कि एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पेट्रोल पंप को लूट लिया। तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर लगभग 2 लाख की नकदी लूट ली। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी की डीवीआर को भी चुरा ले गए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, से लौटने के बाद देखिएगा देश और उनकी तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।